हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर आई हूँ आपके साथ। मैं आज बनाऊंगी हरे प्याज के पराठे। ये देखिए, यहाँ प्याज लिया है मैंने ताज़ा। इनके प्याज को मैं यूज़ नहीं करूँगी, इनके पत्तों को मैं काट कर थोड़ा सा उबाल लेती हूँ। और इसके लिए हमको चाहिए थोड़ा सा मैदा, 2 कप मैदा, थोड़ा सा नमक, ऑयल, थोड़ा सा बेसन, हींग बहुत ज़रूरी है इसमें, हींग, अजवाइन, गर्म मसाला, थोड़ी सी हल्दी और जीरा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपना आटा गूंद लेती हूँ, जब तक ये मैं काट के उबालूंगी उसके बाद मैं आटे को, क्योंकि रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और मोन के लिए थोड़ा सा तेल। ये मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, इसमें 5 पराठे बनेंगे। इसको गूंद के मैं रेस्ट के लिए रख देती हूँ, इन द मेन टाइम मैं उसको उबाल के भी रख लूँगी। ये आटा मैंने गूंद के रख दिया है, इसको रेस्ट के लिए 10 मिनट छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं अपना गैस ऑन करके मैंने ये उबाल के रख लिया है, इसको उबाल के और छान के रख लिया। मैंने पत्ती पत्ती जो है मैंने उबाल कर और छान कर रख लिया। ये देखिए, इसको पूरा मैंने पानी इसका जो है वो पूरा निचोड़ दिया है ना। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लेती हूँ, ये मेरा थोड़ा बनाने का, क्योंकि बहुत पौष्टिक और बहुत अच्छे होते हैं इसको बना, क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है, तो इसको आपको बहुत बनाना चाहिए। इस समय मौसम भी अच्छा है। इसमें मैं अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, थोड़ा तेल गरम हो जाए मेरा, फिर मैं डालती हूँ जीरा। ऑयल हमारा गरम हो गया है, सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूँगी, जीरा हमारा थोड़ा क्रेक हो जाए। उसके बाद मैं, ये मैंने पीस के रखा हुआ है अदरक, क्योंकि अदरक पराठा में बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा लहसुन बारीक काट के रखा हुआ है मैंने इसमें, इसको हम अच्छे से पहले भून लेंगे। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें मैं हींग डालूंगी, क्योंकि हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, क्योंकि बेसन से बाइंडिंग जो हमारी होती है वो बहुत अच्छे से होती है। जैसे ये 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन लिया है, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी बेसन को। ये 2 से 3 मिनट हमको इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद में हमने ये जो प्याज का उबाल के रखी हुई है, प्याज काट के, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको हमको 2-3 मिनट चलाना है, और थोड़ा सा इसमें हमको नमक डालना है, क्योंकि हमने पराठों में भी नमक डाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक हमको नहीं चाहिए। इसको हमको 2 से 3 मिनट भूनना होगा। ये अच्छे से हमारा भून जाएगा तो हमारा स्टफिंग अच्छे से होगी इसकी। ये हमारा पूरा बन गया है, और ये देखिए एकदम ड्राई हो गया है, इसका मतलब हम भरने लायक हमारा हो गया है। ये गैस मैं बंद कर दूंगी और इसको पराठे में मैं भरने के लिए तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमारा आटा भी देखिए 20 मिनट हो गए हैं, कितना अच्छे से फूल गया है एकदम। ये देखिए एकदम चिकना हो गया डो हमारा। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके पेड़े बना लेंगे। गैस जलाती हूँ मैं पराठे बनाने के लिए, क्योंकि हमारा ये स्टफिंग का भी ठंडा हो गया है। प्याज जो है, हरी प्याज हमारी ठंडी हो गई है। तवे पे थोड़ा सा तेल लगा दें, जिससे थोड़ा गर्म हो जाए अच्छे से। ये थोड़ा सा मोटा ही बनेगा, इसके मैंने थोड़ी मोटी लोई ली है इसकी। इसमें हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे। हरी प्याज तो वैसे कोई बहुत कम लोग खाते हैं, बट बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये पराठे की स्टफ, अगर आप हरी प्याज के पराठे बनाएंगे तो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे रहते हैं। इसको अच्छे से आप भर दीजिए और उसके ऐसे रोल बना लीजिए। तो ये जैसे लच्छा पराठा टाइप बनता है ना, जो अपना वैसा बन जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, एकदम टेस्टी। अच्छे से हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा पतला तो बेलेगा नहीं, थोड़ा मोटा ही बेलेगा, क्योंकि इसमें स्टफिंग अच्छी है अपनी। ये देखिए, तवा हमारा गर्म हो गया है, इस पर हम डाल देंगे इसको। इसी तरह हम अपने सारे पराठे बना लेंगे फटाफट। इसमें कम कर पाए थे रोल। ये देखिए, ऐसे बड़े सा पराठा बनाएंगे हम, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और जो हमारी स्टफिंग है ना, उसको हम ऐसे करके भर लेंगे। देखिए लंबा,
जैसे हम लच्छे पराठे के लिए रोल बनाते हैं ना, ऐसे हम उसको बना लेंगे। देखिए इसको ऐसे कर लेंगे तो हमारे जो ये पराठा है वो बहुत अच्छा बनता है। देखिए लच्छे जैसे लगते हैं और जब बीच में आएगा मुंह में तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए हल्के हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे, इसमें अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे। ये देखिए इसमें अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे। इसमें जो हमने बेसन डाला है इसीलिए डाला है बाइंडिंग अच्छी करने के लिए, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि क्योंकि हमने मैदे का पराठा बनाया है तो थोड़ा सा इसमें चने का भी आटा हो जाता है, मतलब बेसन, तो अच्छा भी लगता है बहुत। ये देखिए हमारे कितने अच्छे पराठे सेके एकदम यम्मी से बिल्कुल। बस इसको ऐसे हम सेक लेंगे और इसको बढ़िया पुदीने के रायते के साथ सर्व करती हूँ। अभी मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें बटर भी डाल सकते हैं आप चाहे तो, इसको बटर में भी सेक सकते हैं, बट मैंने इसको तेल में सेका है क्योंकि और भी ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छे हैं। ये हमारे पराठे एकदम रेडी हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे एकदम, जब इसको आप खाएंगे तो एकदम लच्छे आते हैं बिल्कुल एकदम निकल के बाहर। ये देखिए एकदम राउंड राउंड राउंड, जब आप इसको खोलेंगे अभी थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए हमारा प्याज के पराठे एकदम रेडी हो गए हैं और कितने यम्मी और कितने टेस्टी बने हैं। आप पुदीने की चटनी के साथ सर्व करिए। ये देखिए कितनी अच्छी परतें, जब आप इसको अभी बहुत गर्म है जब आप खाएंगे तो एकदम परते की परते निकलेंगे इसके, तो एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। रेडी है हरी प्याज का पराठा।